हाय फ्रेंड्स, आई एम सागर। आई एम काजल। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं इमोशनल पेन बयान बाय मौलाना शाकिब रज़ा। हाँ तो तो मेरे ख्याल से आपका ही वीडियो सजेस्ट किया गया वीडियो है। हाँ, वीडियो सजेस्ट किया गया हुआ था तो तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी मेरे ख्याल से हिस्ट्री के जानकार है या मेरे ख्याल से समाज सेवक रहेंगे। समाज सेवक का उर्दू अर्थ नहीं पता हमको। तो चलो ये समाज देखते सेवक मतलब जो समाज को हैं। मतलब कौम को सुधारने में अपना योगदान देते हैं हाँ, उनको बोलते हैं इस्लामी तालीम। इनके चैनल फॉलो द सब्सक्राइब अल्टीमेट इस्लाम कीजिए, लिंक सब्सक्राइब कीजिए डिस्क्रिप्शन में हमारे है, चैनल और सब्सक्राइब दबाइए कीजिए। बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने ऐसा रिश्ता माँ की सूरत में पैदा किया है। जन्नत की छाओं का दुनिया के ऊपर रूप है माँ की जात। जन्नत की घनी छा है माँ का वजूद, और अल्लाह ने अपनी रहमतों को अगर कोई सूरत दी है तो वो माँ का रूप है। और माँ के सीने में वो तड़पती हुई ममता और मोहब्बत के वो पिघलते हुए जज्बात रखे गए हैं कि दुनिया पर माँ के प्यार का बदल नहीं है। मैं कहा करता हूं, आज कोई शय भी खरीदने निकले तो आप वसूख से नहीं कह सकते ये खालिस है। हर शय दो नंबर दस्तयाब है, हर शय में मिलावट है, लेकिन एक चीज आज भी मिलावट से पाक है और वो माँ का प्यार है। माँ की मोहब्बत आज भी खरी है और आज भी उसमें कोई मिलावट नहीं हुई। बच्चा बूढ़ा भी हो जाए लेकिन माँ के लिए वो बच्चा होता है। माँ की दुआएं उसी तरह उसके लिए होती हैं, और बच्चा आगोश मादर में आकर फिर तिफले सादा रह जाता है। ये माँ का प्यार और माँ की मोहब्बतें। एक शायर ने माँ की मोहब्बत का नक्शा खींचते हुए क्या खूबसूरत बात कही। वो कहता है, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबश, मैंने एक बार कहा था मुझे रात को डर लगता है। कहा सहरी के वक्त, मैंने एक बार उठ के रात को चौंक कर कहा था मुझे रात को डर लगता है। मुद्दत हो गई इस बात को, ये किस्सा पुराना हो गया हुआ है, मुझे भी भूल गया हुआ है, लेकिन मेरी माँ रात को नहीं सोती, मेरे बेटे को कहीं डर ना लग रहा। ये माँ के प्यार का रूप है। अल्लामा इकबाल, जब उनकी वालिदा इंतकाल कर गई तो वो दियारे गैर में थे, तो उस वक्त उन्होंने एक तवील मरसिया लिखा अपनी माँ की याद में, जिसको अनवान है वालिदा मरहूमा की याद में। उसके अंदर लिखते हैं, आह अब वतन में होगा किसको मेरा इंतजार, आह वतन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार। आरजू लेकर तेरी खाके मरकत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा, कौन पिछले पैर उठ के दुआ करेगा। हर एक से कहना पड़ता ना जनाब दुआ करना, मौली साहब से भी अर्ज करना पड़ता हुजूर दुआ में याद रखना, पीर साहब से गुजारिश करना पड़ती है जनाब मुझे दूर दूर रातों में और चांदनी चांदनी रातों में मुझे याद रखना, हाजी को मोतमिर को कहना पड़ता जनाब दियारे हरम में जा रहे हो और दियारे हबीब में जा रहे हो, वहां मुझे दुआ में याद रखना, सेने हरम में भी और जाली के सामने भी, हर एक को कहना पड़ता है कि मुझे दुआ में याद रखना। कभी माँ को भी कहना पड़ा कि अम्मी दुआ में याद रखना। माँ के हाथ वैसे उठे रहते हैं और जब माँ के हाथ उठ जाएं इजाबत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। मैंने पढ़ा कुतुबे हदीस में जो दुआएं रद्द नहीं होती उनमें से एक माँ की दुआ है, जब माँ हाथ उठा दे तो जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और ये लाजमी नहीं है कि माँ राबिया बसरिया हो तो फिर ही उसकी दुआ कबूल होती है। उपले थापती हुई माँ और लेपा पोती करती हुई माँ जो है वो मिट्टी से भरे हुए हाथ उठा दे तो अल्लाह उन हाथों को भी खाली नहीं मोड़ता। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है, माँ जब मुस्कुराती है लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। माँ के चेहरे की रौनक और माँ के चेहरे की जो है वो खुशी बेटे के दिल को हकीकी करार और हकीकी तस्कीन देती है। जो ठंड माँ के साथ नसीब होती है वो कायनात में किसी और जगह पे नहीं है, जो घना साया माँ के दामन में है वो किसी और जगह मुयस्सर नहीं हो सकता है। वो क्या कहा था किसी ने कि फाइव स्टार होटलों में खाना खाने में वो लज्जत कहाँ जो चूल्हे पर बैठ के माँ के हाथों से पकी हुई चपातियां खाने में आता है। आली जनाब हजरत साहब क्या क्या स्टेट सेक्रेटरी नाम लेते हैं, लेकिन वो लुत्फ कहाँ जो माँ ओए बबलू ओए पप्पू और ओए मिठू कह के पुकारती है।
जो मिठास उन लफ्जों के अंदर है वो बड़े और भारी और भरकम अल्फाज और खिताबात के अंदर कहां है। ऊंची कुर्सी पर बैठने का वो लुत्फ नहीं है जो मां के कदमों में बैठने का है। अल्लाह ने मां के रूप के अंदर एक मोहब्बत और एक उल्फतों का एक ऐसा दरिया दिया है कि जिसके अंदर इंसान जब जाता है तो उसके दुखों के सारे मैल धुल जाते हैं और वो बिल्कुल आसूदा हो जाता है। ये माँ का रूप है, ये माँ का प्यार है। तो माँ का बिछड़ जाना, इस दुनिया से चले जाना, ये ऐसे ही होता है जिस तरह को बंदा घने साए में खड़ा हो तो अचानक उसको धूप में खड़ा कर दिया जाए, फिर उसे पता चलता है कि कितना घना साया था। जिस तरह दरख्त सारी धूप अपने ऊपर सहता है और जो अपने नीचे खड़ा हो उसको ठंडक देता है, इसी तरह माँ बाप सारे दुख अपने ऊपर सहते हैं लेकिन अपनी औलाद को ठंडक पहुंचाते हैं। माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने के बाद पता चलता है कि मैं कितनी घनी छाँव से किस कड़ाकेदार धूप में आ गया हूँ और मेरी जिंदगी के अंदर कितने दुखों का जहर घुल रहा है। जो जहर पहले माँ हमारे करीब नहीं आने देती थी, जो बाप हमारे करीब नहीं आने देता था, वो अपनी बाहों में और अपने सीने में उन गमों और दुखों को समेट लिया करते थे। तो माँ का बिछड़ जाना, माँ का इस दुनिया से चले जाना, ये बहुत बड़ा सानहा होता है। सारी जिंदगी इंसान माँ की खिदमत करता रहे तो बताओ माँ की खिदमतों का बदला दे सकता है, माँ के प्यार का सिला दे सकता है। अर्ज की गई कि मैं अपनी माँ को अपने कंधों पर उठा करके हज करवाया है और साई और काबतुल्लाह का तवाफ कराया है और हालत ये थी कि अगर चट्टान के ऊपर गोश्त का एक टुकड़ा डाल दिया जाता तो वो भी भुन के कबाब बन जाता, इतनी गर्मी की शिद्दत थी। क्या मेरी माँ ने मेरी जो खिदमत की, मेरी कफालत की, मुझे दूध पिलाया, मुझे जन्म दिया, तो मैंने क्या माँ की खिदमतों का सिला दे दिया है? तो जवाब आया, तूने अभी उसकी एक मुस्कुराहट का बदला भी नहीं दिया। माँ जब हंस के देखती है तो जन्नत की सारी कलियां खिल उठती हैं और बेटे की जिंदगी माँ की उस हंसने से जो है वो इबारत होती है। बेटे के लिए माँ के जो जज्बात हैं, माँ की जो कहानियां हैं, माँ के सीने में जो दर्द के उमटती हुई एक कायनात है, उसका कोई बदल नहीं हो सकता। सारी जिंदगी एक टांग पे खड़ा होके बंदा माँ की खिदमत करता रहे फिर भी हक अदा नहीं होगा। माँ माँ होती है, अल्लाह ताला जल्ला शानहु ने उसको वो दर्जे अता फरमाए। बेटे के साथ जो प्यार माँ करती है भला कोई कर सकता है? कोई इतनी मोहब्बत दे सकता है जितनी माँ मोहब्बत देती है? सारी जिंदगी भी इंसान उन मोहब्बतों का बदल देना चाहे तो नहीं दे सकता, चूंकि माँ के प्यार का किनारा ही कोई नहीं, माँ की मोहब्बत की गहराई और गहराई को कोई नाप ही नहीं सकता। समुंदर के पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। अल्लाह ताला ने उसके सीने में धड़कता हुआ जो दिल रखा है और तड़पती हुई जो ममता रखी है वो एक मिसाल बनी हुई है कि किसी ने किसी को कहा कि मैं तेरे पे राजी तब होंगी कि अगर तू अपनी माँ का कलेजा निकाल के ले आए। तो उस बदबख्त ने अपनी उस महबूबा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस अकदाम की तैयारी भी कर ली और जाके माँ का सीना चीरा और उसका कलेजा निकाला और अपनी उस महबूबा की खुशनूदी के लिए तेज तेज आ रहा है कि मैं उसको दिखाऊं कि मैंने ये कारनामा भी सर अंजाम दे दिया और ये चोटी भी सर कर ली है। तो तेजी से आ रहा था, रास्ते में ठोकर लगी, जब गिरा तो कहते हैं माँ के कलेजे से आवाज आई, पुत्र चोट तो नहीं आई है? ये माँ के प्यार का रूप है, ये माँ की मोहब्बत का अंदाज है। दुनिया वालों, माओं की कदर को जाया ना करना, माँ के प्यार को और उसकी मोहब्बत का सिला दे तो नहीं सकते लेकिन सारी जिंदगी माओं की नौकरी करना और अपने बाप की जिंदगी के अंदर कभी भी नाफरमानी ना करना, ये सादतमंदी और खुशनसीबी होती है। हुजूर ने मिंबर की तीन सीढ़ियों पे कदम रखते हुए आमीन आमीन कहा था तो बाद में पूछा गया, हुजूर आपने हर सीढ़ी पे कदम रखते हुए आमीन कहा तो ये क्या माजरा था? फरमाया, जिब्रील आए थे, उन्होंने मुझे कहा था उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जो माह सियाम रमजानुल मुबारक को पाए और फिर कसरत इबादत से अपनी बख्शिश न करवा सके। तो मैंने आमीन कहा, फिर कहा उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जो वालदेन को बुढ़ापे में पाए और जन्नती ना हो सके उनकी खिदमत करके। तो मैंने आमीन कहा, फिर जिब्रील ने कहा उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए वो आप पर दरूद ना पड़े। तो मैंने आमीन कहा, तो वो शख्स कितना बदनसीब है
जो वालदेन को नाराज कर लेता है। मैं कहता हूं सारी कायनात मां के कदमों तले है, बल्कि मेरे महबूब ने जन्नत को मां के कदमों तले करार दिया। अल जन्नत तहता अकदामिल उम्महात, जन्नत मां के कदमों तले। मां इतना प्यार करती है कि जिसका किसी तराजू पे तोल नहीं हो सकता, और उसके प्यार का सिला बदला सारी जिंदगी खिदमत में भी गुजार दें फिर भी नहीं दिया। आपको इस किस्म की मजीद भी वीडियो से आगाह करते रहेंगे, ऐसी मालूमात फराहम करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो बहुत ही इमोशनल था और बहुत अच्छा भी था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से माँ का मतलब सब कुछ बताया कि माँ क्या होती है, क्या है। जब उन्होंने बताया कि जो हज के लिए अपनी माँ को कंधे पे उठा कर गए, और वहाँ पे इतनी गर्मी थी कि अगर मास्क का थोड़ा भी टुकड़ा मतलब किसी चट्टान पे रख दे तो वो अपने आप भुन जाएगा, इतनी गर्मी थी। और इस गर्मी में उन्होंने माँ को कंधे पे हज करवाया, फिर भी अल्लाह ने कहा कि आपका माँ का कर्ज 1% भी नहीं, हंसी का कर्ज भी नहीं उतरा है। तो उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। बहुत अच्छा मतलब, और उन्होंने जो एग्जांपल दिया कि वो महबूबा के लिए माँ का कलेजा मांग रहा था, वो हमारे यहाँ भी बहुत बहुत ही फेमस है, क्योंकि मैं जब भी स्पीच माँ के ऊपर सुनती हूँ उसके ऊपर हमारे यहाँ पे, जब खुद मैंने स्पीच दी थी जब मैं 10th class में थी, तो माँ की इम्पोर्टेंस के बारे में स्पीच थी, तो वही वहाँ भी मैंने ये एग्जाम्पल यूज़ किया था। तो यहाँ भी ये फेमस है और वहाँ भी ये, मुझे ये हमारे यहाँ पे भी इसके ऊपर एक पूरा मूवी बनाए गए माँ के। हाँ, जो उन्होंने बाद में एग्जाम्पल दिया था, महबूबा बोलती मुझे कलेजा लेके आओ आपकी माँ का, तो माँ की कलेजे से आवाज आती है, उसे जब ठोकर लगती है तो बेटा वो अपनी माँ का कलेजा निकालते है अपनी महबूबा के लिए। उसका तो मेरे को बहुत बुरा लगा था जब वो मूवी देखा मैंने। तो फिर भी उसको ठोकर लगती तो उसके माँ का कलेजे से आवाज आती, तुमको कुछ लगाता नहीं। तो बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत ही, और वो एग्जांपल भी बहुत फेमस है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट भी बताइए। और बहुत अच्छा वीडियो था, जिसने भी सजेस्ट किया था बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा वीडियो था। और जिसने सजेस्ट किया है उसको थैंक यू कि हमें भी इतना अच्छा बयान सुनने को मिला। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।